हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे डेट इज पोल्स एंड जीरोस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, और ये कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क एनालिसिस ये दोनों में काम आता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है हर्षित आपको? यस सर। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, दैट वुड बी द पोल्स एंड जीरोस। पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। काफी आसान टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा और आप मतलब कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, पोल्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग क्रॉस से, और जीरोस को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डेट इज स्मॉल सर्कल से, मतलब ऐसे वाला सर्कल से। ठीक है, अब ये पोल्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे? आपको एक ट्रांसफर फंक्शन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, जैसे एफ ऑफ एस मैंने दे दिया आपको, एस एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन एस प्लस थ्री, ये अगर आपको फंक्शन दे दिया गया। अब इस फंक्शन से आपको बोलेगा पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देने, मतलब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको? ध्यान ये देना है कि अगर मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट को इक्वल्स टू जीरो करा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीरोस, और नीचे वाले पार्ट को अगर इक्वल टू जीरो करा तो हमें मिलेगा पोल्स। ठीक है, कैसे इक्वल टू जीरो करना है वो देखिए। एस पहले हम जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एस के साथ कुछ है नहीं तो एस इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, एस प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस टू। तो ये हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया, तो एक हमें जीरो मिला और एक हमें माइनस टू मिला। अब हम लोग पोल्स फाइंड आउट करते हैं। पोल्स का क्या हुआ? एस प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। उसी तरह से एस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस थ्री। हमें पोल्स भी मिल गया। ठीक है, अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? तो चलिए आइए प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में आपको रियल पार्ट रखना है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा से, और वाई एक्सिस में आपको जो रखना है वो इमेजिनरी पार्ट रखना है जिसको जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जीरो ये वन टू थ्री फोर, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इधर अच्छा ये माइनस वन नहीं होगा, माइनस जे माइनस टू जे माइनस थ्री जे। ठीक है, इधर वन जे इधर टू जे थ्री जे एंड फोर जे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एस जीरो सबसे पहले हम लोग प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे एक जीरो पे है, ठीक है, और हमारा सर वो एक जे क्यों होगा क्या, सॉरी ये वाई एक्सिस सर? हमारा वो इमेजिनरी पार्ट है ना, जे ओमेगा है ना, ओके सर। और एस इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू पे सर्कल कर दिया, जीरो प्लॉट कर लिया हम लोगों ने जीरो। अब पोल्स प्लॉट कर रहे हैं, माइनस वन माइनस वन कहाँ पे है? माइनस वन यहाँ पे है। ठीक है, फिर माइनस थ्री कहाँ पे है? यहाँ पे। बड़ा आसान था, देख लिया आपने? ठीक यस है, सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जो इमेजिनरी पार्ट पे हो। क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन नंबर टू, एफ ऑफ एस दे रखा है एस एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन प्लस जे, और नीचे दे रखा है एस प्लस वन माइनस जे। ठीक है, सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए न्यूमरेटर वाले पार्ट को इक्वल टू जीरो करना होगा, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एस इक्वल टू जीरो एस प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू हो गई माइनस टू। तो जीरोस फाइंड आउट हो गया। अब पोल्स फाइंड आउट करेंगे। पोल्स का क्या हुआ? एस प्लस वन प्लस जे इक्वल टू जीरो,
तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन माइनस जे, है ना सर। जब हम जीरो फाइंड आउट करेंगे तो सर हमें न्यूमरेटर वाले पार्ट को ही रखना पड़ेगा, और कोई नहीं रख सकते हम। नहीं 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 न्यूमरेटर वाले पार्ट को इक्वल टू जीरो करेंगे तो जीरोस मिलेगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल टू जीरो करेंगे तो पोल्स मिलेगा। ओके सर, इक्वल टू जीरो तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपका जे माइनस वन, क्लियर है। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। हम लोग हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू हमारा माइनस टू ही है, तो जीरो वन टू ये हो गया वन जे, ये हो जाएगा टू जे, माइनस वन माइनस टू इधर क्या हो जाएगा माइनस वन जे और इधर माइनस टू जे, ठीक है। एस इक्वल टू जीरो, जीरो पे सर्कल करा दिया, माइनस टू पे सर्कल बना दिया, जीरो प्लॉट हो गया। पोल्स प्लॉट करना, माइनस वन लिया माइनस जे, तो ये और ये यहाँ पे मीट कर रहा है तो इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जे जे यहाँ पे है और माइनस वन, एक सेकेंड, हाँ जे यहाँ पे है, ओहो ये वाला गलत कर दिया, माइनस वन माइनस जे होगा ना, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या करा हमने, माइनस वन है और माइनस जे है, माइनस वन है और माइनस जे इधर प्लॉट होगा ना ये, और ये वाला देखिए प्लस जे है माइनस वन है, माइनस वन तो मेरा यहाँ पे है और प्लस जे हमारा यहाँ पे, ठीक है। आया हर्षिता ये समझ में? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार तो आपको इमेजिनरी पार्ट एकदम निकाल के दे दिया था, अब निकाल के देगा नहीं, आपको खुद से फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लिख लेते हैं हम लोग। इस बार ये क्वेश्चन में ना आपको इमेजिनरी पार्ट एकदम साफ से दिखेगा नहीं, आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इमेजिनरी पार्ट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके का है, एफ ऑफ एस दे रखा है आपको, फाइव एस अपॉन एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो कि हमें नॉर्मली करना क्या होता है, इसमें हमें एस की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे वो पोल्स के लिए निकाले वो जीरोस के लिए निकाले, है ना। न्यूमरेटर वाला पार्ट जीरोस के लिए होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट पोल्स के लिए होता है, इतना तो आप लोगों को, दो क्वेश्चन आप अभी आप लोगों ने करा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग मतलब कि अपनी सहूलियत के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये इस फॉर्मेट में ना आए या इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं, एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा इक्वल टू जीरो करने का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट वही आ जाएगा रूट सी आ जाएगा, ये सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा जो आता है वही रूट सी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो माइनस बी, अच्छा अब इसको कंपेयर करना है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस वाले टर्म से कंपेयर करना है। तो जरा ध्यान से देखो, एस स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए वाला पार्ट हमारा वन हो गया, फिर बी एक्स और इसको कंपेयर करो तो बी वाला पार्ट हमारा फोर हो गया, अब सी तो मेरा एट है, तो कंपेयर करके हम लोगों ने ए बी सी फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ पुट कर दो तो बी हो गया आपका माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 16, फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए कितना वन इंटू सी एट अपॉन टू ए, टू ए तो मतलब ए तो वन ही है तो टू इंटू वन वन हो गया, माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 माइनस 32 अपॉन टू, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस फोर प्लस माइनस अभी आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 16 अपॉन टू। अब जरा ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अंडर रूट 16 होता तो आप 4 लिख देते, बट यहाँ पे अंडर रूट में क्या है माइनस साइन है, तो आपको बताया था माइनस वन का वैल्यू होता आयोटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट माइनस 16 बोलूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट 16, तो इसके लिए हो गया आयोटा, इसके लिए हो गया 4, तो आंसर हमारा क्या है 4 आयोटा।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस फोर प्लस माइनस फोर आयोटा अपॉन टू। अब ये टू को बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस माइनस टू आयोटा। ठीक है, तो मतलब हमें दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू क्या मिली हमें माइनस टू प्लस टू आयोटा, और दूसरी वैल्यू मिली माइनस टू आयोटा। आई थिंक समझ में आप लोगों को आया होगा। और एक वैल्यू आपको एस माइनस वन है, एस प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू हो गई माइनस वन। तो ये जो तीन वैल्यू मिली है आपको, ये तीनों क्या मिला, ये पोल्स मिला आपको। क्या मिला, पोल्स। जीरोस फाइंड आउट कर लो, जीरोस तो काफी इजी है, एक ही है फाइव एस, फाइव एस इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू क्या हो गई जीरो, क्योंकि फाइव डिनोमिनेटर में जाएगा तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो आपको जीरोस भी मिल गया है ना, आपको पोल्स भी मिल गया। अब प्लॉट करना काफी आसान है, चलो प्लॉट भी कर लेते हैं हम लोग। प्लॉट यहीं पे हम सामने कर देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो y एक्सिस वाला आपको बताया था j ओमेगा होता है, और ये वाला पार्ट रियल के लिए सिग्मा। ठीक है, ओरिजिन जीरो वन टू थ्री, ये क्या होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा माइनस वन जे, ये हो गया माइनस टू जे, ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये माइनस क्यों दे रहा हूँ मैं, सॉरी एक सेकेंड, ये सिर्फ वन जे और टू जे होगा, माइनस तो नीचे वाला पार्ट होगा, ये वन जे और ये टू जे। ठीक है, ये वाला होगा माइनस वन जे और ये माइनस टू जे। ठीक है, चलो अब जीरोस तो मेरा एक ही है, तो यहाँ पे ये जीरो कर दो, ओरिजिन पे था ना एसकल टू जीरो का। ठीक है, अब हमारे पास है माइनस वन पे, माइनस वन पे एक हमें पोल्स मिल गया, उसके बाद हमारा है माइनस टू और टू जे, टू जे यहाँ पे और माइनस टू दोनों यहाँ पे मीट करेगा, तो ये हो गया। फिर माइनस टू ले लिया, माइनस टू जे यहाँ पे, तो ये हो गया, बस प्लॉट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट करना और प्लॉट करना भी आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।